खाना नंबर आठ को पंडित भीमसेन जोशी जी ने बोला है कि मुकाम गंतव्य है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, फानी सदा मतलब मौत और अदल का घर, जो मुकाम होता है वो है गंतव्य, मतलब जो हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। फानी का मतलब होता है जो सदा नहीं रहता, जो नश्वर है, जैसे कि हमारा शरीर, हम पैदा होते हैं, बाद में एक दिन हम मर जाते हैं, ठीक है। मौत और अदल, मौत तो वही बात हो गई, अदल मींस होता है न्याय। जब हम इस जीवन को जीते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक, तो हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हमारे साथ हमारे कर्मों का न्याय ही हो रहा होता है। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कुछ पाते हैं, पीछे से हमने बुरे कर्म किए हैं तो हम वैसे ही हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर लेकिन जो एक कर्मों का एक आप देखेंगे कि ये चेन रिएक्शन है ना, हम पीछे से कर्म लेके आते हैं, फिर हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी हो रहा होता है, हम आगे भी कर्म करते रहते हैं, है ना, अच्छे बुरे, तो ये हमें भुगतना पड़ता है, कर्मों से कोई बचाव नहीं है, ठीक है। हाँ, वो बैलेंस जरूर चलता है कि कुछ बुरा किया है तो कुछ अच्छा किया है, तो उसी हिसाब से वो नेट रिजल्ट हमें मिल जाता है। एक तो मतलब ये एर्थ हाउस हमारा जो जीवन है, पूरा जीवन क्या है, हमारा पूरा जीवन ही एक लाइक का एक न्याय प्रक्रिया है, बुरे कर्मों का फल भोगना जो कि लोग दुखों के रूप में भोगते हैं, अच्छे कर्मों का जो उन्हें कोई सुख मिलता है, कोई अच्छे टाइम मिलता है, वो मतलब वो भोगते हैं। लेकिन जो इंसान के हाथ में क्या होता है, इंसान के हाथ में एक चॉइस है, आपको पीछे से जो आप मतलब अपने पूर्व जन्म से लेके आए हैं, लेकिन जो प्रारब्ध आप कर रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, उसमें ऊपर वाला आपको चॉइस दे रहा है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करने हैं। कई लोग दुख में बुरे कर्मों के रास्ते पे भी चल देते हैं, फिर वो अपने आगे का बैलेंस भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रगल होती है, फिर भी वो बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाते, अच्छे कर्मों की तरफ जाते, ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज बोली है जिसको मतलब जो सबने लिखा है, देखिए उन्होंने बोला है कि इस घर में जो न्याय का घर है, इसमें जो न्याय किस प्रकार से होता है, उसकी प्रकार उसकी किस्म बताई है कि इसमें कोई रहम और जो हमारी अकल होती है, अकल मींस हमारी इंटेलिजेंस, हमारा जो माइंड में एक बोध होता है ना, वो अपना हमारा जो बोध होता है ना कि हमारा किस मतलब कि एक पावर ऑफ मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, तो उस असूल पे चलते हुए मतलब यहां जो न्याय है, यहां पे कोई माफी नहीं है, कोई दया नहीं है, जो भी न्याय होता है वो जो न्याय है वो आंख के बदले आंख के असूल पर होता है। मतलब अगर किसी ने किसी के लड़के की हत्या की है तो उसके लड़के को भी मार दिया जाए, इस चीज को मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है कि जिसका लड़का मरा है उसके पांच लड़के हैं और जिसने मारा है उसका एक ही लड़का है, मतलब उसके लड़के को मार दिया जाएगा तो उसका पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। मतलब जो ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बिना प्योरली यहां कहा क्या जा रहा है, ये सिर्फ एक मतलब कहने की बात है। यहां दो पॉइंट्स मेनली कहे जा रहे हैं, वो ये है कि जो आपको फल भुगतना है अपने कर्मों का, उसमें आपने जैसा किया है आपको उसी के हिसाब से फल मिलेगा, उसमें किसी तरह की कोई कम ज्यादा कोई दया दृष्टि किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये आयु का भाग भी है, ठीक है। तो जो आयु है उसमें कोई ये थोड़ा है कि जब किसी की मौत आती है वो हाथ जोड़ता है
बहुत मतलब कुछ करता है, अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसको एक सांस भी ज्यादा मिल जाती है। ऐसा होता तो फिर बात ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कई बार आपने देखा है कि लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर भी उनकी डेथ हो जाती है। यस, वो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वो ये नहीं, मौत, एक तो मौत को ही डिफाइन किया जा रहा है, कर्मों को और आपकी जो डेथ है किसी की भी, उसी को डिफाइन किया जा रहा है कि डेथ है या आपके कर्मों का जो परिणाम है। वो ये नहीं देखता है कि जिसको वो भुगतना पड़ रहा है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उस परिणाम से उसका सब कुछ ही खत्म हो जाएगा या उसको कुछ मिल जाएगा। मतलब अगर मृत्यु आनी ही है तो आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जितने मर्जी यज्ञ हवन कुछ भी कर लो, आपको एक सांस भी ज्यादा नहीं मिले किसी को, ठीक है ना। मतलब इसमें जितना है उतना ही है बस, कोई इंटेलिजेंस मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इसके तो 5 बच्चे हैं, ये मर जाएगा तो इसके बच्चों को कौन पालेगा, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं होता है। जो होगा वो सबके लिए, जो उसके उसमें बैलेंस में लिखा है, जिसको जितने सांस मिलने हैं वो उतने ही मिलेंगे, जो दुख दर्द सुख जो भी मिलना है वो उतना ही मिलेगा, उसी पैमाने में ही मिलेगा, कुछ कम नहीं होगा कुछ ज्यादा नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। ये जो इतनी बड़ी उन्होंने एग्जांपल दी है वो यही कन्वे कर रहे हैं जितना मुझे समझ आता है, ठीक है। क्योंकि ये पोएट्रिक मैनर में है तो हर इंसान इसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। जब कुछ लाल किताब को जैसे बोलते हैं कि टोटके हैं, कुछ बोलता है, मेरे हिसाब से लाल किताब आपके जीवन को आप कैसे जी रहे हैं उसमें एक आध्यात्मिक तौर पर भी एक बहुत बड़े पैमाने पर भी मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। और लाल किताब में जो रेमेडीज दी गई हैं उनके साथ साथ अगर आप देखोगे कि प्रिकॉशंस भी दी गई हैं। सब लोग रेमेडीज की बात करते हैं, प्रिकॉशंस की बात कम लोग करते हैं, या कोई मतलब बिकॉज प्रिकॉशंस ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशंस जब हम लेते हैं ज्यादा फेमस रेमेडीज ज्यादा, रेमेडीज हर कोई ये चाहता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उस पर किसी तरह का अंकुश या कोई फुल स्टॉप ना लगे, जो मैं कर रहा हूं मैं वैसे करता रहूं, लेकिन बस मैं अपनी कोई रेमेडी करूं और प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करूं, है ना। अगर आप किसी को बोल दो कि आप ये मंत्र कीजिए, शराब मत पीजिए, अब उसका लाइफस्टाइल ऐसा है ना, वो बोलेगा मतलब आप देखिए कि मंत्र किसी और से करवा लूं, पंडित जी से करवा लूं मैं मंत्र, है। फिर जब वो पंडित जी वो मंत्र करेंगे तो वो तो अपनी दक्षिणा लेंगे ही ना, क्योंकि वो उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना। फिर बाद में दारू वो नहीं छोड़ पा रहा है, प्रिकॉशंस वो नहीं ले रहा है, बट देन वो लोग बोलेंगे कि पंडित जी हमें तो करवा दिया जी, इफेक्ट कुछ नहीं मिला, हमारे तो ये पैसे लूट लिए। पहले वो खुद करने को रेडी नहीं है, उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो चेंजेस को कर नहीं रहा, लेकिन ब्लेम किस पे डाल रहा है, पंडित जी पे, ठीक है। लाल किताब के अंदर प्रिकॉशंस, बकायदा प्रिकॉशंस दी गई हैं, बकायदा ये बोला गया है कि आप इन रिश्तेदारों को, इन रिश्तों को सुधारिए, ये कर्मों को सुधार लीजिए, बकायदा बोला है बुद्ध को अच्छा करना है, अपनी सिस्टर अपनी बेटी का, अपनी बुआ का, अपनी मौसी का, देखिए बुआ भी आपके घर की बेटी होगी, आपकी मौसी आपके मदर के साइड की सिस्टर होगी, आपकी बहन होगी भी, उनका आप कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनसे अच्छे संबंध बना के रखिए, उनके दुख दर्द में काम आइए। वो इंसान नहीं करेगा लेकिन उपाय करेगा, क्यों वो उपाय किया, उसके कर्मों पे कोई अंकुश नहीं लग रहा, अपने कर्मों पे अंकुश नहीं लगाएगा। जबकि खाना नंबर 8 क्या है, न्याय का घर, वो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है अच्छा या बुरा जो भी मिलेगा उसमें कोई सिफारिश नहीं चलने वाली, ठीक है। जो मिलना है, डंडा मिलना है तो डंडे पड़ जाएंगे, और अगर आपको
कुछ अच्छा मिलना है तो अच्छा मिल जाएगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी होता है ये घर, ठीक है। ये घर उस धन का भी होता है जो बिना एफर्ट्स के जो है आप अटेन करते हैं, लॉटरी से जीत लिया, इंश्योरेंस का पैसा, आपके पूर्वजों ने कुछ पैसा छोड़ा है, जायदाद आपको दी है, वो इनहेरिटेंस में मिला हुआ पैसा बिना मेहनत, मतलब कि वो जिसमें आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पैसा कैसे मिल रहा है आपको? वो आपको भाग्य से ही मिल रहा है, आपके कोई पिछले जन्मों के कर्मों से या इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ही आपको सुख मिल रहा है ना इस जन्म में कुछ जी। वो इस जो पॉइंट नंबर वन है उसके अंदर ये चीज बोली गई है, ठीक है। ये हमने हेडलाइन जो है हम जो डिकोड कर रहे हैं एट्थ हाउस को, वो हमने जो इसका मेन टाइटल दिया गया है उसी को डिकोड किया है, ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं मौत शनि हो चंद्र मंगल, बुध मंगल नहीं मनते हैं, वो बोलते हैं कि खाना नंबर आठ में अगर सूर्य बृहस्पति और चंद्र में से, खाना नंबर आठ में से सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा से कोई भी अगर प्लैनेट अकेला, ठीक है। देखिए मैं पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर रहा हूं, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझसे पूछ लीजिएगा अभी, ठीक है मैडम। बाद में ये चीज नहीं कहना है कि आप मुझे चीज समझ नहीं आई, याद रहना अलग चीज है, समझ में आना अलग चीज है, बाद में आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, पहले समझ आना जरूरी है, ठीक है। तो पंडित जी बोलते हैं कि खाना नंबर आठ में सूर्य बृहस्पति या चंद्र ये अकेले अकेले हों या ये कॉम्बिनेशन में हो, तीनों एक साथ हो, मतलब सूर्य बृहस्पति हो, सूर्य अकेला हो, बृहस्पति अकेला हो, चंद्र और बृहस्पति साथ में हो, चंद्रमा अकेला हो, या तीनों एक साथ हो, कोई भी कंडीशन हो, तो जो खाना नंबर आठ का जो बुरा इफेक्ट है वो ना तो खाना नंबर बारह में जाएगा, बारहवें भाव में जाएगा, ना ही दूसरे भाव में जाएगा, जब दूसरे भाव में नहीं जाएगा तो छठे भाव में भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो खाना नंबर आठ का जो बुरा प्रभाव है वो खाना नंबर आठ में ही रह जाए, ठीक है जी। उन्होंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहां बोली है कि जैसे मौत के घर को सूर्य बृहस्पति चंद्र ने जैसे जीत लेंगे, जीत लिया हो, जैसे योगी जंगी, ये जो वर्ड योगी है यहां पे इंपॉर्टेंस रखता है, ये सब चीजें वहां वहां होंगी, ये वो इंसान जिसके नेटिव के चार्ट में कॉम्बिनेशन है और वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है तो आपको उसकी जो नेचर है वो एक योगी जैसी होगी, ठीक है, मतलब कर्म योगी होगा, अच्छे कर्मों को अच्छे कर्म करेगा। मतलब एक चीज और भी है इससे, ये चीज आती है कि चंद्रमा बृहस्पति या सूर्य इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर एट्थ हाउस के अंदर है और इंसान अपने कर्म अच्छे से कर रहा है, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो एट्थ हाउस में भी मतलब इसको बुरे इफेक्ट नहीं मिलेंगे, एट्थ हाउस के बुरे इफेक्ट सेकंड या सिक्स में या ट्वेल्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है जी। ये चीज समझ में आई आपको? फिर वो बोलता है, सॉरी पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं कि जो शनि मंगल और चंद्र हैं वो अगर अकेले अकेले इस घर में हैं तो वो हमेशा अच्छा इफेक्ट देंगे, लेकिन अगर कोई दो हैं या तीनों इकट्ठे हैं, मींस शनि मंगल हो या शनि चंद्र हो या मंगल चंद्र हो, ऐसा मतलब कुछ भी अगर कॉम्बिनेशन है या तीनों एक साथ हो तो उस टाइम पे उनके मैलेफिक इफेक्ट्स जो हैं, खराब इफेक्ट्स जो हैं, वो खाना नंबर आठ के अंदर जातक को भुगतने पड़ेंगे। जहां बोला है या जैसे जो शनि देव हैं वो आयु के कारक भी माने गए, ठीक है, तो
यहाँ पे शनि ने बोला कि वो मौत के भंडारी हो जाएंगे, कि मृत्यु तुल्य कष्ट इंसान को देखने पड़ेंगे। चंद्रमा जो है वो मैलिफिक इफेक्ट देगा इंसान के रुपए पैसे धन दौलत और सेहत के ऊपर। और अगर मंगल है तो उसमें खाना नंबर 2 और 6 का जो इफेक्ट है वो भी शामिल हो जाएगा और मंगल बद बन जाएगा, ठीक है जी। और हर तरफ उसको लानत होता है, इंसल्ट हो जाना, बेइज्जती हो जाना, ठीक है। मतलब बेइज्जती जब किसी इंसान की होती है ना तो उसके अंदर बड़ी मतलब बड़ा जलता है, वो बहुत जलन महसूस करता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि अगर बुध खाना नंबर 8 में हो तो वो बहुत ही बुरा माना जाता है, मैलेफिक माना जाता है, और मंगल अगर खाना नंबर 8 में हो तो उसको भी अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन अगर मंगल और बुध दोनों इकट्ठे खाना नंबर 8 के अंदर हो तो वो अच्छा इफेक्ट माना गया है। ऐसा इंसान रिसर्च ओरिएंटेड बहुत होता है, ठीक है, उसको गुप्त विद्याओं का ज्ञान बहुत होता है, उसकी रुचि उस तरफ होती है, ठीक है। जब खाना नंबर 2 में शनि अगर मंगल को देखेगा तो मंगल बद हो जाएगा। अगर खाना नंबर 2 में जो शनि अगर मंगल खाना नंबर 8 में अगर मंगल है उसको देखता है तो मंगल बद हो जाएगा और मैदान जंग में मौत का बहाना खड़ा हो जाएगा। मीन्स कि एक मौत का बहाना, मृत्यु इंसान की हार जब होती है तब भी उसकी मृत्यु होती है, किसी वो संघर्ष में अगर मृत्यु उसकी हो जाए तब भी मृत्यु होती है, जब वो मन से हार जाता है तब भी उसकी मृत्यु होती है, जब उसकी इंसल्ट हो जाती है तो भी वो टाइम उसके लिए मृत्यु तुल्य होता है। मीन्स अगर सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर है और मंगल जो है 8th हाउस के अंदर है तो ऐसे इंसान को संघर्ष से बचना चाहिए, मतलब किसी लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ऐसे इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसको बहुत बार अपनी ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहां उसको इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, या अगर वो किसी लड़ाई झगड़े में पड़ता है तो वहां भी वो पिटता ही है, ठीक है। और उसको मतलब कि जिंदगी की जो जंग है उसमें भी उसको जो कष्ट है वो मृत्यु तुल्य मिलते हैं। मतलब हर तरफ से आप अगर इमेजिन करें कि संघर्ष कैसे कैसे हो सकता है तो वहां उसको ज्यादातर हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं जब कोई ग्रह, एक सेकेंड, फिर वो कहते हैं कि बैठा जब कोई ग्रह जब तक तीजे मौत टली ही गिनते हैं। मतलब कि अगर कोई ग्रह 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान की मतलब रोग और मृत्यु तुल्य जो उसकी सिचुएशंस आती हैं उसमें उसका बचाव होता रहता है। 8th हाउस के जो बैड इफेक्ट हैं उस पे उसमें कमी और रोकथाम होती है। नेक्स्ट फिर वो बोलते हैं कि गर आठमा जब बदी पर आवे 2, 6, 2 भी आ मिलते हैं। मतलब जब 8th हाउस खराब हो जाता है, जब 8th हाउस के बैड इफेक्ट होते हैं तो खाना नंबर 2 और 6 हैं वो भी खराब हो जाते हैं, उनके भी बैड इफेक्ट उसमें एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अगर 6 और 8 में से कोई खाना खराब हो जाता है तो मतलब तो भी वो एक दूसरे के ऊपर बैड इंपैक्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर वो उन्होंने आगे बोला है कि बैठा 12 चाहे दुश्मन होवे फैसला उसका लेते हैं। जो 8th, 8वां घर होगा उसका जो अच्छा बुरा होगा उसकी जो मतलब लास्ट इंपैक्ट हम देखेंगे वो हमेशा चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से होगा, ठीक है जी। रिपीट करेंगे ये लाइन आपने, जो 8th हाउस का अच्छा या बुरा इफेक्ट, जो हमने 8th हाउस को जज किया उसका जो अच्छा या बुरा इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, किस हिसाब से वो अच्छा या बुरा इफेक्ट देगा, वो सारी चीजें लास्टली हम चंद्रमा की पोजीशन देखेंगे। जैसे खाने नंबर 7 के लिए हम शुक्र की पोजीशन, हाँ, हाँ, तो वैसे ही हम
चंद्र की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। और जो बारहवां घर होता है उसको भी आठवां घर जो है देखता है, उस वहां जो प्लेनेट बैठा होता है वो भी ये जज करने में मतलब हेल्पफुल रहेगा कि एट्थ जो हाउस है उसके जो हालात हैं उनका जो फैसला होगा वो उसमें भी उसकी भूमिका रहेगी, ट्वेल्थ हाउस की, ठीक है जी। फिर वो बोलते हैं कि मंगल बदगो सबसे मंदा, बुध पापी नहीं अच्छे हैं। मतलब अगर मंगल बद है, ठीक है, मंगल की कई कंडीशंस हैं और वो एट हाउस में प्लेस्ड है तो वो सबसे खराब जो है फल देगा, ठीक है। बुध, बुध पापी किसको बोला गया है? राहु शनि केतु को। हाँ, ये अगर एट हाउस में हो ये भी अच्छे फल नहीं देते, ठीक है जी। एट हाउस जो है वो ओवन भी है, तंदूर भी है, ठीक है। जो एट हाउस है वो तंदूर है, आपके घर की छत की कंडीशन है, आपके घर की जो छत है उसकी प्रोटेक्शन कैसी है, उसकी पोजीशन मतलब कैसी है, ठीक है जी। इन चीजों को भी वो इंडिकेट करता है। फिर वो बोलते हैं ग्रह ग्यारह घर चीज जो आवे छत गिरी ही लेते हैं, ठीक है। मतलब खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह है और वो वर्ष फल के अनुसार खाना नंबर 8 या खाना नंबर 11 में आ जाए और इंसान खाना नंबर 11 से जो संबंधित वस्तुएं हैं वो घर में ले आए, ठीक है। आगे हम ये इसके ये भी डिस्कस करेंगे कौन से ग्रह कि किस खाना नंबर में कौन सी वस्तुएं उससे रिलेटेड है, ठीक है जी सर। तो अगर वो वस्तुएं आप घर में ले आओ तब भी कोई ना कोई मतलब दौलत की बर्बादी या सेहत की बर्बादी या सेहत को बैड इफेक्ट, पैसे पे बैड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। जब खाना नंबर 8 मंदा होता है तो उसका कारण खाना नंबर 4 और खाना नंबर 2 मतलब जड़ जो है खाना नंबर 2 में। अगर अब एक, ठीक है, फोर्थ हाउस जो है आपके फेफड़ों का भी है, लंग्स चेस्ट, ठीक है, सांस आप लंग्स से ही लेते हो, तो आयु से आपका ये जो फोर्थ हाउस है ये कनेक्टेड है डायरेक्टली, सांस बंद आयु खत्म, ठीक है ना जी। सेकेंड हाउस क्या है आपका? मुंह है, मुंह से हम खाते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, ठीक है। और एक चीज आपको बताता हूं, सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन है, कईयों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना जी। ये हम थोड़ा आयुर्वेद वाला साइड ले रहे हैं, किसी को अगर पाइल्स की दिक्कत होती है फोर्थ एंड सेकंड हाउस खराब होगा तो एट्थ हाउस भी खराब हो जाएगा। एट्थ हाउस इज योर एग्जिट, जो हम इनटेक ले रहे हैं फूड का उसका जो वेस्ट हमारी बॉडी से एग्जिट हो रहा है दैट इज योर एट्थ हाउस, ठीक है ना। तो फोर्थ हाउस आपका मतलब जो एट्थ हाउस जो है आपके फोर्थ और सेकंड हाउस से डायरेक्टली जो है कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपका पेट खराब हो गया है, फोर्थ हाउस जो है कहीं ना कहीं आपके पेट को भी इंडिकेट करता है, पेट अगर आपका ठीक नहीं है आप ओवर ईटिंग कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट एट्थ हाउस पे भी पड़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हो तब भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाहर का खाना खाते हैं बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, दूषित खाना खा रहे हैं तो उनको जैसे कॉन्स्टिपेशन पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है ना सर। स्टमक को फिफ्थ हाउस को बोलते हैं ना सर? फिफ्थ भी है गर्भ, लेकिन जो है गर्भ है वो फोर्थ हाउस में भी मतलब ये थोड़े इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना जी। तो आप ये देखिए कि फोर्थ हाउस जो है
और सेकंड हाउस जो है किस तरीके से एट्थ हाउस को इंफेक्ट करते हैं।